लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय हल्दीचूर में छात्र संघ चुनाव की स्थिति घोषित होने के बाद एनएसयूआई और एबीवीपी में कड़ा मुकाबला है। ऐसे में दोनों संगठनों में आए दिन तनातनी बनी रहती है। कभी एक दूसरे के समर्थक पोस्टर फाड़ राजनीति करते हैं तो कभी आय कार्ड वितरण में तनातनी बना रही है। बीते दिनों एनएसयूआई अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजा धामी के परीक्षा परिणामों में अचानक फेल हो जाने पर महाविद्यालय में बखेड़ा खड़ा हो गया, जिसके बाद एनएसयूआई समर्थकों ने एबीवीपी समर्थकों पर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया। वहीं एनएसयूआई ने आनंद फानन में प्रत्याशी बदलते हुए तनुजा सामंत को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया। वहीं अब एनएसयूआई ने राजनीतिक दबाव में एबीवीपी पर आरोप लगाते हुए राजा धामी को फेल करवाए जाने का आरोप लगाया है। एबीवीपी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कार्तिक रजवार ने आरोपों को निर्धारित बताते हुए परीक्षा परिणामों की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। कॉलेज के माध्यम से भी बच्चों को अभी आई कार्ड वितरण नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों को अभी अपना सीरियल नंबर भी आते हैं। लेकिन कल ही शाम को मैं संगठन से अध्यक्ष प्रत्याशी घोषित किया गया हूँ, लेकिन इन्होंने अपने पर्सनल मैटर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भी बदनाम किया गया है। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वालों ने फेल करवाया गया और अभी जिस तरीके से मेरे साथ खेल रचा गया वो सब पूरे छात्र छात्राओं ने देखा, पूरे क्षेत्रवासियों ने देखा किस तरीके से मेरा छलावा हुआ। उसके बाद आज मैं पहले दिन कॉलेज जाता हूँ और मैं सभी छात्र छात्राओं के बीच में अपना एक व्यक्तित्व रखता हूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ। मैंने अभी नॉमिनेशन भरा है, मैं आज यहाँ पे एडमिशन करवाने आया था। मैं इससे पूर्व में एज अ पेरेंट्स यहाँ का जो प्रेसिडेंट है विजय सिंह सामंत उसके याद में आता था। आज मेरी बहन लड़ी है तनुजा सामंत, जो कि इस कंडीशन में लड़ी है, मेरा भाई राजा धामी, इन लोगों ने उसको फेल करवाया। पहले उन्होंने 7-8 सालों से इस चीज़ में मेहनत की है, इस साल वो प्रत्याशी थे अध्यक्ष पद के, लेकिन उन्हें किसी कारणवश फेल कर दिया गया या जो भी हुआ वो फेल हो गए हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे दिया, अपनी बहन को दिया कि लड़की है आगे बढ़ना चाहिए। मेरे को लड़कियों की फर्स्ट बार ऐसा हुआ कि एल पी एस कॉलेज में एक लड़की अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी